हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। जेम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनुराग मिश्रा, आज आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का आज पहला दिन है। इसमें कुछ जनरल रूल्स पहले समझिएगा, कैसे क्या करना है। इसमें कुछ आपको हम ट्रिक बताएंगे, कुछ आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का लगभग 70-80% पोर्सन ऐसा होता है जिसको आपको सॉल्व ही करना है। उसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। उसमें आपका क्या है, कितना माइंड का कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो यहाँ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। और इसके बाद कुछ बेसिक टिप्स होंगे तो वो तो हम आपको बताएंगे। तो पहला आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर ज़्यादा समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन हम आपको ये बता रहे हैं, पहले ध्यान समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन में दो तीन चीज, एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले मालूम होना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसके बाद आपको हम बताएंगे बॉड मास। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, बॉड मास बताएंगे। पहले आप ये समझिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, सर किससे ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर से होगा। कहने का मतलब एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में अगर हमने दे दिया 4/7, ये प्रॉपर हो गया। 4/7 क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। 9/10 प्रॉपर हो गया, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है। देखो डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, किससे, न्यूमरेटर से। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब क्या है, जैसे आपका 13/7 हो गया, एग्जांपल में 13/7 हो गया, एग्जांपल में 14/8 हो गया, एग्जांपल में 9/7 हो गया। तो देखो डिनोमिनेटर छोटा है, तो केवल डिनोमिनेटर से आप याद रखना, ये नहीं कि एक का डिनोमिनेटर बड़ा है एक का न्यूमरेटर बड़ा, ऐसे ना याद करना। केवल एक टर्म में याद करो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो होल्स में होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। जैसे 3 होल 1/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल रहेगा। ठीक है, अब जैसे हो गया 4 होल 2/8 हो गया, 2/9 हो गया, कुछ भी हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका एडिशन। जैसे 7 3 21 21 + 1 22 22/7 हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, 9 4 36 36 + 2 38 38/9 हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब बॉड मास क्या होता है, बॉड मास क्या होता है, ध्यान समझिएगा। बी से दो चीज होता है, पहला क्या होता है, या तो बार होगा या तो ब्रैकेट होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बी से क्या होगा, बार होगा या ब्रैकेट होगा। कहने का मतलब सबसे पहले कहीं भी इक्वेशन दिया है सॉल्व करने को, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार सॉल्व होगा, मतलब सबसे पहले कोई एक ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब सर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन हम देंगे तब समझ में आएगा। ओ से क्या होता है, ब्रैकेट ओवर होगा, ब्रैकेट क्या होगा, ओवर होगा या ऑफ सॉल्व होगा, या ओवर लिखा रहेगा या तो कहीं ऑफ लिखा रहेगा, या तो क्या लिखा रहेगा, ऑफ लिखा रहेगा, तो वो ब्रैकेट ओवर या ब्रैकेट ऑफ। डी से क्या हो गया, डिवाइड, ये सब आप जानते ही होंगे। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्स्ट्रैक्शन होता है। एस से क्या होता है, सब्स्ट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है, सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ऑफ मतलब कहीं ऑफ लिखा होगा वो सॉल्व होगा, या ब्रैकेट ओवर होगा। डी से डिवाइड होगा, पहले डिवाइड सॉल्व होता, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब ये कैसे होगा, एक जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पाएगा। अच्छा इसी तरह अभी ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम जैसे ले ले रहे हैं, 3 / 2 × 5 − 6 + 7 bar। अब सबसे पहले सर आपने इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं बनाया है, कहीं तो आप ब्रैकेट बनाइए, ये लो ब्रैकेट बना दिया हम यहाँ पे।
ठीक। अब देखो, अब इसमें डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, ऐड भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, बार हो गया। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, बार को। अब ध्यान रखना, जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस 7 है, ध्यान रखना ये माइनस 6 प्लस 7 नहीं है, ये 6 प्लस 7 है, क्योंकि बार में जो लिखा है उसका हम साइन देखते हैं, ये बार के सॉल्व होने के बाद है। तो ठीक है, तो 6 प्लस 7 क्या हो गया, 13, 5 माइनस 13 हो गया, 5 माइनस 13 ब्रैकेट। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में है, तो 5 माइनस 13 8 हुआ ना, माइनस 8, 2 इंटू माइनस 8 हुआ, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और ये 3 डिवाइड में है। तो अब क्या होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 8, 2 1 जा 2 4 जा 3 4 जा 12 आंसर, 3 4 जा 12 आंसर। इसको हम आगे बताएंगे आप और अच्छे से, अभी आप इतना समझिए, अभी आप क्या करेंगे, इतना समझना है, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसमें अब आप सॉल्यूशन का मेथड समझिएगा। जैसे दिया है 3 होल प्लस 2 बाई 7, अगर कहा कि इसको जल्दी से सॉल्व करिए, पर बेसिक चीज समझते चलिए, 3 होल 3 प्लस 1 2 बाई 7 दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हटाओ 3 2 बाई 7 लिख दो आंसर, इस तरह लिख दो आंसर, इतनी बात समझ में। अगर दिया है 5 प्लस 9 बाई 10, तो प्लस हटाओ 5 इधर आ गया, 9 बाई 10 सॉल्व हो गया, इतनी बात समझ में, तुरंत आंसर आ रहा है, तुरंत आंसर। अगर एग्जाम में इस तरह दिया है आंसर तो इस तरह, नहीं तो इसको क्या कर दो, 73 या 21, 21 प्लस 2 23 फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिए, 23 बाई 7, 10 5 जा 50, 50 और 9 बाई 10 इस फॉर्म में कर दिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर इसके लिए कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, हमेशा डिनोमिनेटर को बड़ा रहना है, ध्यान रखना, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तभी ये अप्लाई होगा। सर अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो तब ये अप्लाई नहीं होगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सर ये तो आपने हमको एडिशन का बताया, अब तो सबट्रैक्शन के भी होने चाहिए, हाँ सबट्रैक्शन के भी है। अब देखो अगर इसी को ही हमने लिख दिया 3 माइनस 2 बाई 7, तो सर अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। अब इसका क्या सर, इसी तरह ट्रिक है, नहीं इसका दूसरा है, प्लस का अलग रहेगा माइनस का अलग रहेगा, बट कंडीशन दोनों की सेम रहेगी, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें, 3 जो भी नंबर लिखा हो उससे एक कम कर दो, जो भी नंबर लिखा है उससे एक क्या कर दो, कम कर दो, तो 3 लिखा है तो 2 कर दिए, और ये जो दो फ्रैक्शन लिखा है इन दोनों को माइनस कर दो, 7 माइनस 2 5, ये 5 हो गया और 7 आंसर। बात समझ में आई, एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करने के पहले एक चीज आपको ये दिखाना चाह रहे थे, क्वेश्चन करने के पहले चलो पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5 माइनस 9 बाई 10 दिया है, आप कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए, तुरंत क्या, यहाँ 5 लिखा ना तो एक कम, ये 4 हो गया, इन दोनों का माइनस क्या होगा, 1 आएगा, ऊपर लिख दिया 1, और डिनोमिनेटर में 10 है, 10 ही जाएगा, आंसर हो गया। अब देखो अब कैसे पता चलेगा सर ये आपका आंसर सही है, कैसे ये पता चलेगा कि ये आपका आंसर सही है, तो उसको पता करने के लिए क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लिए, जल्दी से देखिए मेरा आंसर ये आया है ना, अब एलसीएम क्या लिए, 10 आया, 10 5 जा 50 माइनस 9, 50 माइनस 9 क्या हो गया, 41 बाई 10, और ये क्या लिखा है, 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 41 बाई 10, वही लिखा है कि नहीं लिखा, तो देखो आंसर वही आया कि नहीं आया। अब सर ये वाला प्लस वाला करके दिखाए थे, कैसे पता चला, ये भी सही है, तुरंत ले लिए एलसीएम, ले लिए 7 आया एलसीएम, 7 3 जा 21 प्लस 2 दोनों को ऐड करिए तो क्या आ गया, 23 बाई 7, देखो वही आया कि नहीं आया, दोनों सेम है कि नहीं है। तो ये मेथड एक अच्छे से समझे रहना, एक एक और हम करवा के दिखा दे रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा बता रहे हैं। अब इसको देखना है इसमें क्या करके हम बताने जा रहे हैं, सेम वही है, अभी हमने कुछ बदला नहीं है, जैसे दे दिया 7 प्लस 5 बाई 6 दे दिया। अब हमने क्या कहा, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तब के लिए है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ये 7 आके यहाँ जुड़ गया, 7 5 बाई 6 हो गया आंसर, 7 5 बाई 6 हो गया आंसर, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन कर दिए, 47 बाई 6 हो गया, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 47 बाई 6 हो गया। अब अगर इसी को ही अगर हमने माइनस में दिया होता तो क्या करते, जल्दी से बताओ माइनस में क्या होता, माइनस में 7 से 1 कम कर दो तो क्या हो गया 6, और इन दोनों को माइनस कर दो
दो, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ऊपर 1 और नीचे क्या हो गया 6, तो 6 6 36 36 + 1 37 बाई 6 हो गया। इतनी बार समझ में आई कि नहीं आई, माइनस वाला एक और सेट करके देख लो तुम लोग, माइनस वाला पता नहीं तुम लोग को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमने दे दिया 8 - 7 / 9, ठीक, तो अब हमने क्या कहा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर छोटा है किससे न्यूमरेटर से तब अप्लाई नहीं होगा। तो अब 8 जो लिखा उससे एक कम कर दो 7 हो गया। अब देखो 7 होल में आएगा, जो कम करोगे वो होल में आएगा, 9 - 7 क्या होगा 2 होगा, और नीचे क्या लिखा है 9 9 ही रहेगा, तो 9 7 = 63 63 + 65 / 9। सर कैसे पता चला सही है, जल्दी से एलसीएम ले लो, 9 8 = 72 - 9 9 = 7 हो गया, 72 - 7 = 65 / 9 हो गया। इतनी बार समझ में आई कि नहीं, हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एडिशन का हो गया और सब्सट्रैक्शन का हो गया। अब सब्सट्रैक्शन का और तो नहीं कराने की जरूरत है, अगर और कराने की जरूरत है तो हम करा देंगे। इतनी बार समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर दिया है 2 whole 1/3 + 5 whole 1/7 दिया है। अब ये दिया है तो कह रहा है कि इसको जल्दी से सॉल्व करिए, ये दिया है इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो ये कैसे सॉल्व होगा जल्दी से देखते हैं। देखो ये 2 ये 5 को ऐसे लिख देंगे, ये 2 ये 5 को ऐसे लिख देंगे, अब बचा क्या 1/3 + 1/7। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये 2 ये 5 को ऐसे लिख दिए 1/3 1/7, 2 + 5 क्या हो गया 7, और 1 इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 21 3 7 7 3 जा, तो ये क्या हो गया 7 3 10 10 / 21। देखो फिर उसी तरह से आ गया ना, डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये ऐसे ही आंसर हो गया 7 10 / 21 आंसर, ये इसके पास चला जाएगा और ऐसे ही लिखा रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना चाहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना चाहा 5 whole 1/7 + 7 whole 2/9 दिया है, ठीक। अब हमने क्या बताया, इन दोनों को प्लस करो, 5 + 7 इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। अब बचा फ्रैक्शन वाला, प्लस करके अलग लिख दिए, फ्रैक्शन वाला प्लस करके क्या कर दिए अलग लिख दिए, 5 + 7 = 12 हो गया। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया 63, 7 9 जा 9 7 जा, तो अब ये क्या हो गया 16 / 63, और ये क्या हो गया 12 plus। अब ये क्या हो गया, ये देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है जल्दी से देखो, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको हम क्या कर देंगे 12 16 / 63 आंसर। उसी तरह बस ये प्लस को हटाएंगे ये सड़ जाएगा, ये प्लस को हटाएंगे ये सड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीज आपको बेसिक चीज मालूम होना चाहिए, कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हम जो आपको बताएंगे वो भी है इम्पोर्टेंट है। सर ये तो आपने प्लस का बताया, और अगर माइनस का होता तो क्या करते, कैसे करते, तो अब देखो इसको देखते हैं। अब माइनस का होता तो कैसे करते ये देखते, माइनस का होता कैसे करते ये देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर ये लिखा है 17 - 5 whole 2/9, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, अगर कहीं लिखा है 5 + 2/9, तो इसको हमने क्या बताया था डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 5 whole 2/9 लिख सकते हो ना। अब कहीं ऐसा लिखा तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिखा तो हम ऐसे लिख सकते थे, अब ऐसा लिखा है तो ऐसे लिखते रहे, तो लिखते रहे 17 यहाँ माइनस 5 + 2/9। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा 17 - 5 हो गया, और ये प्लस की माइनस प्लस माइनस 2/9 हो गया, 17 में से 5 हुआ तो क्या हो गया 12 - 2/9। अब जैसे ही माइनस देखिए आपके पास वही ट्रिक, एक 12 है ना, 12 में से एक कम कर दो क्या हो गया 11, और ये 2/9 है ना, तो इन दोनों का क्या करोगे सबट्रैक्ट, 9 में से 2 माइनस किए तो 7 7/9 आंसर। बात समझ में आई सर, ये सही आंसर है कि नहीं, लाओ चेक करके देख लेते हैं। 9 आया एलसीएम, 12 9 = 108 - 2 = 106/9, अब इसको चेंज कर दो 11 9 = 99 99 + 7 106/9। देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमको सही से समझ के करना है। इसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पास हमने लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया 18 - 3 whole 5/9 लिख दिए, तो अब हमने क्या बताया जल्दी से बताओ,
ये 3 और 5 by 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 plus 5 by 9 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहाँ 18 माइनस में है, तो आप देखो ब्रैकेट ओपन हुआ, 18 माइनस 3 माइनस 5 by 9, ठीक, 18 माइनस 3 क्या हो गया, 15 माइनस 5 by 9, तुरंत हमने क्या बताया था, जैसे ही माइनस देखो और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो क्या करोगे, 15 में से एक कम कर दिए 14 और ये फ्रैक्शन बना है, 9 में से 5 माइनस किए 4 और नीचे 9, आंसर। आप बताओ इससे भी इजी तरीका होगा क्या? तो अगर आपको इजी मेथड लग रहा है, टेक्निक अच्छी लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, 16 होल 2 by 3 प्लस 8 होल 1 by 4 प्लस 7 होल 1 by 6 equals to, बताइए क्या होगा। अब हमने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताइए, क्या हम बताया था, जब भी इस तरह से दिख जाए तो ये जो ये जो मिक्स फॉर्म में है इन सबको ऐसे प्लस कर दो, जल्दी से इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, और इसके बाद जो फ्रैक्शन फॉर्म में है प्लस करके फ्रैक्शन फॉर्म 2 by 3 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 6, बात समझ में आई कि नहीं, ये जो मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है इसको ऐसे प्लस कर दो, 16 प्लस 8 प्लस 7, फिर प्लस लगाओ, फिर फ्रैक्शन वाला 2 by 3 1 by 4 1 by 6, 2 by 3 1 by 4 1 by 6, अब 16 8 24 24 7 31 31 प्लस, अब 3 4 6 का एलसीएम करो। आप देखो एलसीएम निकालने का भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, पहले जिस चीज का एलसीएम निकालना हो देखो कि उनमें से सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा पता चला 6 है, तो अब 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे, ध्यान समझना, एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या है, जिस चीज का भी एलसीएम निकालना है उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसको देखते हैं और उसी की टेबल पढ़ते हैं। सर कहां तक पढ़ेंगे, टेबल वहां तक पढ़ेंगे जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, उसको डिवाइड कर ले, जैसे 6 1 6 तो 6 की टेबल, 6 1 6 आया तो 6 3 से कैंसिल हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं, तो ये नहीं होगा। आप बोल दिया 6 2 12, तो देखो 12 3 से भी कैंसिल हो रहा 4 से भी कैंसिल हो रहा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया 12, इसका एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया, 3 4 4 2 8 प्लस 4 3 3 प्लस 2, तो क्या होगा 8 3 11 3 13 13 12 और यहां क्या हो गया 31 प्लस। अब एक चीज ध्यान रखना, अब अगर इस तरह से आपने कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया छोटा, तो सर अब क्या करेंगे इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, 12 आएगा एलसीएम, 12 बन जाए 12, 12 थ्री जाए 36, 37 प्लस 30, अब इन दोनों को प्लस करोगे 385 बाई 12, मिक्स फॉर्म में कर दो या ऐसे कर दो, आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब सर ये वाला एलसीएम देने का तरीका हमको नहीं समझ में आया, चलो दूसरा देखते हैं, जैसे दे दिए 10 दे दिए 15 दे दिए 20 दे दिए, क्या इसका एलसीएम निकालो, तो हमने क्या बताया था तुमको एलसीएम में सबसे बड़ा कौन 20, अब 20 की टेबल पढ़ना है, सर कहां तक पढ़ना है 20 की, तब तक टेबल पढ़ना है जब तक बचे हुए दो उस टेबल से कट ना जाए, जैसे 21 या 20 10 की तो टेबल में आएगा क्या 15 की टेबल में आएगा, नहीं, अब लिखे 22 या 40 10 से तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा ना, इसका मतलब 40 भी एलसीएम नहीं, 23 या 60 10 की टेबल से 60 कट जाएगा, 15 की टेबल से भी 60 कट जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, कितनी बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे अगर हमने दूसरा दे दिया 20 दे दिया 25 दे दिया 10 दे दिया, अब सर इसका कैसे निकालेंगे एलसीएम, जल्दी से देखो इन तीनों में से बड़ा कौन 25, तो 25 पढ़ा है ना, 25 की क्या पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे, 25 की टेबल कब तक पढ़ेंगे, जब तक बचे हुए दो उससे कट ना जाए, बचे हुए दो उससे कट ना जाए, मतलब 25 की टेबल पढ़े, 25 2 50 50, 20 की टेबल में भी नहीं आएगा और 10 की टेबल में आएगा, तो ये एलसीएम नहीं, दोनों दोनों की टेबल में आना चाहिए, 25 3 75, ना 20 से कटेगा ना 10 से, 25 4 100, देखो 100 10 से भी कट रहा है 20 से भी कट रहा है, इसका मतलब 100 इसका क्या आ गया एलसीएम। सर कैसे पता चला, आप सही बता रहे हो, तुरंत एलसीएम करके देख लो, 5 4 20 5 5 5 2 2 5 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 1 5 ऐसे ही रहेगा, 1 5 1, अब देखो ध्यान से
फाइव टू जै टेन, टेन टू जै ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव हंड्रेड। देखो हंड्रेड आया कि नहीं आया एलसीएम, हंड्रेड आया ना, तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज का आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं उसका ध्यान देना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं उसका ध्यान देना है, ठीक है। तो उसको ध्यान देने के लिए क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, बॉट मास बताया था ना। अब बॉट मास का इसमें ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन ये है 3120 डिवाइड बाई 26 प्लस 12 into 20, ये दिया है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है फिर मल्टीप्लाई, तो इसको दोनों को डिवाइड करो, तुरंत डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 3120 डिवाइड बाई 26 और ये प्लस दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 240 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको कैंसिल करेंगे, 26 1 26 26 2 52 0 120 इधर आया प्लस 240, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 360। सर आपने तो 26 की टेबल से काट दिया, अगर हम 2 की टेबल से कैंसिल करते तो कोई दिक्कत नहीं, जब कैलकुलेशन करने लगोगे तो आप खुद बड़ी टेबल से कैंसिल करने लगोगे। क्यों, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांग रहा है, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा और आप बहुत फास्ट करोगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि हम कितनी जल्दी क्या क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर देखो कितना आ गया, 360 आ गया ना आंसर, तो बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से हम दे देते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया 140 रूट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अब यहाँ पास कह रहा प्लस 315 इक्वल्स टू 1050। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या बताओ, वैल्यू बताओ। अब देखो इसको क्या करना है, हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क जहां देख ले तुरंत एक्स लगा दे, क्या लगा दे एक्स, ये प्लस वाला उधर गया माइनस हुआ, तो 1015 में से 315 जब माइनस हुआ तो कितना आया 700 आया, कितना आया 700। अब यहां बचा क्या 140x बचा, तो रूट एक्स इक्वल टू 700, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, जीरो से जीरो कटा, 14 1 14 5, रूट एक्स की वैल्यू 5, हमसे x की वैल्यू पूछा ना, तो x की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर हुआ और इधर भी स्क्वायर हुआ, इधर का स्क्वायर 25, इधर का स्क्वायर हुआ, तो रूट रिमूव हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, x की वैल्यू क्या हो गई 25। सर इस तरह के क्वेश्चन करने का दूसरा लॉजिक क्या होता है, ऑप्शन से, दूसरा क्या होता है ऑप्शन देख के, कैसे, ये क्वेश्चन दिया है तुरंत दिमाग में आपके ये आना चाहिए, ध्यान समझिएगा, तुरंत दिमाग में आपके ये आना चाहिए, जो चार ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ये जो चारों ऑप्शन दिया है सबसे पहले देखते हैं किसका रूट निकल जाता है। जैसे कोई ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हारा, ध्यान समझिएगा, कोई ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारा दिया रहेगा 25 दिया रहेगा, कोई 64 दिया रहेगा, कोई 70 दिया रहेगा, कोई 80 दिया रहेगा, तो ये दो क्वेश्चन तो सीधे गलत हो गया, दो ऑप्शन तो सीधे गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, यही दोनों ऑप्शन बचे जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करके देख लोगे, इन दोनों को यहाँ पे पुट करके चेक करके देख लोगे, बात समझ में आई कि नहीं। सर अगर चारों में स्क्वायर रूट वाला होता तब क्या करते, तब चारों को रैंडमली चेक करते या तो इसको सॉल्व कर लेते, अगर जब चारों में हुआ करे तब जल्दी से सॉल्व कर लो ज्यादा अच्छा, पुट करके मत देखो, जल्दी से सॉल्व कर लो ज्यादा अच्छा है, सॉल्व करने से ये हमको बेनिफिट होगा कि हमारा जितनी देर में हम चेक करेंगे उतनी देर में मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम आज के लिए आपको इतना ही बता रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है उसमें से क्वेश्चन देखो, ऐड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट डिवाइड, ठीक है, बार वाला क्वेश्चन आप देखना, नहीं समझ पाएगा तो कल तो अभी हम बताएंगे ही, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ना आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम आगे और भी वीडियो बनाएं। थैंक यू।